फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। मेरा नाम पल्लवी गोसावी है और जैसा कि हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स देख रहे हैं, आज हम उसमें देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है इसका मीनिंग, तो हम कोऑर्डिनेट मींस क्या है इसके बारे में समझें। तो सबसे पहले हम कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन ले लें। सपोज ये कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब इस गार्डन में कहीं कोई ट्री है, सपोज वो ट्री यहाँ है। अब इस ट्री की पोजीशन हम इसकी बाउंड्री एडी या एबी से किस तरह से देखेंगे कि कहाँ पर है वो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ इसको लिखा, यहाँ ये कितने मीटर के डिस्टेंस पे, 3 मीटर के। तो यदि मैं कहती हूँ कि इस ट्री, कोई ट्री है जिसको हम पी पॉइंट नाम दे रहे हैं, ये पी कोई ट्री है, तो इसकी जो का जो डिस्टेंस है वो एडी से कितना है, 3 मीटर है। अब सिर्फ एडी से 3 मीटर है तो हम कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे, बट यदि हम उसको बोलते हैं कि इसका डिस्टेंस मतलब जो ए बी बाउंड्री है वहां से कितना है, सपोज ये 7 मीटर है और यहाँ से कितना है, 3 मीटर है, तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको देते हैं क्यू और इसको दे देते हैं आर। दैट मीन्स ये जो पी पॉइंट है ये कहाँ क्या हुआ, ये जो ए से क्यू या आर से पी डिस्टेंस है वो कितना है, 3 है, और जो Q से P या P से Q डिस्टेंस है या R डिस्टेंस है वो कितना है, 7 है। दैट मीन्स ये जो दो पॉइंट्स मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, उस जो भी ट्री है या कुछ है उसका हम क्या बताएंगे, हमको उसकी पोजीशन बताएंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो ट्री है इसकी जो पोजीशन मिली है वो हमको क्या मिली है, 3 और 7। तो इस तरह से, इसी तरह से यदि हम कहीं टॉकीज में फिल्म देखने जाते हैं तो टॉकीज में भी क्या होता है, यदि हम बैठ रहे हैं तो कौन सी रो में है और किस जो सीट नंबर है वो किस रो में या किस कॉलम में, वो हमको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी तब हम उस पर बैठ पाएंगे। तो ये क्या होता है, पोजीशन होता है। अब पोजीशन में हम क्या देखेंगे, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है कि कोई बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं और यदि हमको किसी के घर जाना है तो हम कहेंगे स्ट्रीट नंबर 3 में जाना है, लेकिन उसका हमको उसके साथ साथ जो मकान नंबर है या जो उसका हाउस नंबर है वो भी हमको पता होना चाहिए, तब हम एग्जैक्ट पोजीशन उसकी पता कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। सपोज ये है वाई एक्सिस, इसको वाई डैश बोलते हैं, और ये है एक्स एक्सिस। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये दोनों जहां मीट करती, जहां एक दूसरे से मिलती है उसे कहा जाता है ओरिजिन या ओ से डिनोट किया जाता है। अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, मीन्स इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे पॉइंट क्या आ रहा है, 0 है। तो जो ओरिजिन है उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0। अब ये जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस मीन्स क्या है, ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल, एंड वाई एक्सिस इज वर्टिकल। तो जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन, और ओ के पॉइंट्स होते हैं 0 0। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये क्या करती है, मतलब जो प्लेन है, ये प्लेन है, इसको क्या कर रही है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करती है, ये फर्स्ट पार्ट होता है, ये सेकेंड पार्ट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। और ये जो पार्ट्स होते हैं इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अब आपने पढ़ा है कि जब हम जीरो नंबर लाइन भी पढ़ी है, तो जीरो से जब हम राइट हैंड साइड चलते हैं तो यहाँ नंबर्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो ये हम 1 2 3 लिख दें सपोज यहाँ पर। इसी तरह से जो वाई एक्सिस है इसमें कैसे होंगे, जब हम अपर की तरफ चलेंगे मीन्स ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। सेम ऐसे ही अब आपको ये बताया कि जीरो से जब हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो इधर पॉइंट्स कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। सो वी राइट हियर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली हियर ऑल्सो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमने इसमें क्वाड्रेंट में देखा। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स एक्सिस का भी पॉजिटिव पॉइंट है और ये वाई एक्सिस इसका भी पॉजिटिव पॉइंट है, मीन्स यहाँ पर क्या होता है, इसको में दोनों ही पॉइंट्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव, मीन्स इसको कहा जाता है प्लस प्लस। अब इधर जब हम एक्स एक्सिस का देखते हैं तो ये कौन सा पॉइंट होता है, निगेटिव,
और इधर कौन से पॉइंट दिख रहे हैं हमको, पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे माइनस और प्लस। सेम एज यहाँ पर क्या होगा, माइनस, और इसमें दोनों ही कैसे होंगे, माइनस होंगे। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें दोनों पॉइंट्स कैसे होते हैं, निगेटिव। ऐसे ही जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें पहले एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट आएगा, देन वाई एक्सिस का निगेटिव पॉइंट आएगा। अब इसमें एक बात है कि जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है, एब्सिसा। इसी तरह से जो वाई एक्सिस है उसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। अब इसमें मान लीजिए हमको वन और टू प्लॉट करना है, तो वन और टू मीन्स कैसा है, दोनों ही हमको कैसे दिख रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स। तो वन मीन्स यहाँ पे कहाँ आएगा, ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वन मीन्स ये है, और इसी तरह से वाई एक्सिस पे क्या देखना है, टू। तो वाई एक्सिस में ये जीरो है, वन टू, सो ये यहाँ पर हम इसी लाइन में सीधे चलेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ये कैसा मिलेगा, वन और टू। जब आप इसको ज्वाइंट करेंगे तो ओ से ये एन और ये क्या हो जाएंगे, ओ से एन, और ये हो जाएगा ओ एम। तो यहाँ पर ये जो, इसको हम पी पॉइंट नाम दे देते हैं। तो जो पी एन है वो किस पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे, और इसी तरह से जो एम पी है या पी एम है वो किस पर हमको परपेंडिकुलर दिख रहा है, ओ वाई पर, यानी वाई एक्सिस पर। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एब्सिसा ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। अब कोई फिगर बना हुआ है, मैं किसी दूसरी बुक में से बता रही हूँ कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन दिया है। कोई ये ओ है, ओरिजिन है, और यहाँ कोई पॉइंट पी है, और ये जो डिस्टेंस ये कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का दिया है टू, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये कितना दिया है, इसको उन्होंने दिया है फाइव। अब आपको क्या कहा है उन्होंने कि एब्सिसा, अब यहाँ पर एब्सिसा कितना है, यदि इन्होंने इसको, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। अब एक्स एक्सिस के सारे ये पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं, इधर ये पॉजिटिव होते हैं, एक्स डैश निगेटिव होता है, और इधर भी क्या होता है, निगेटिव होता है। अब हमको उन्होंने इसमें पूछा है एब्सिसा, अब इसमें एब्सिसा क्या होगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एब्सिसा मीन्स ये वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस का, देखते हैं हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर एब्सिसा मीन्स क्या है, एब्सिसा क्या होगा यहाँ पर, एब्सिसा कितना है, टू है। ऐसी ऑर्डिनेट कितना दिख रहा है हमको, ऑर्डिनेट कितना दिखाई दे रहा है, फाइव। अब उन्होंने पूछा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, इस पी के पॉइंट क्या दिख रहा है, देखिए एक्स एक्सिस में पहले क्या लिखेंगे हम, टू लिखेंगे, देन वाई एक्सिस का पॉइंट देखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, फाइव। दैट मीन्स यहाँ हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या होंगे, 2.5। इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसी तरह से हमको यदि कोई क्वेश्चन में लिखा है कि कोई एक ट्रायंगल बनाना है तो किस तरह से उसको प्लॉट करना है, ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी। अब पहले मैं लिख देती हूँ क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी वेयर वर्टाइसेस ए, ए के पॉइंट्स क्या दे रखे हैं आपको, 0, 2, देन बी के पॉइंट्स दे रखे हैं 2, -2, और सी के जो पॉइंट्स है वो दे रखे हैं -2, 2। अब यदि हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है या हमको इसका ट्रायंगल बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए। अब जैसे ये हम यहाँ पर फिर से, ये कौन सी है, वाई एक्सिस है, ये कौन सी दिखाई दे रही है आपको, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश है, हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ऐसे ही, ये भी नीचे तक ले लेते हैं, ये है वाई डैश, जहां दोनों एक दूसरे को मीट कर रही है, दैट इज कॉल्ड ओ। ओ मीन्स क्या है, ओरिजिन। अब हम यहाँ पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, तो मैक्सिमम टू तक जा रहा है, तो ये लिखते हैं वन, और ये लिखते हैं टू, ये थ्री, 1, 2 and 3। सेम ऐसा ही, अब बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, 0 के इधर 3, 2, 1 और इस तरह से 1 उधर ले जाते हैं, पर आप ध्यान रखिएगा कि 0 के पास हमेशा 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। सेम ऐसे यहाँ भी क्या होगा, 1
टू और यहाँ लिखेंगे थ्री। आप डिस्टेंस बिल्कुल एक जैसा रखिएगा। जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्ट आपका फिगर बनेगा। सेम ऐसे ही यहाँ हम माइनस का नंबर लिखेंगे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरह से। और यहाँ भी क्या आएगी वैल्यू, निगेटिव आएगी, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर। ऐसे हम यहाँ पर भी माइनस फोर लिख सकते हैं, इधर इसको भी फोर तक और इधर फोर कर लेते हैं। अब देखिए पॉइंट्स क्या याद रखें, जीरो टू, जब भी जीरो लिखिए तो जीरो हमेशा इसी पोजिशन पर रहेगा। अब जीरो और टू कहाँ है, तो टू मीन्स कहाँ दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस पे। जो सेकंड पॉइंट होता है वो किसका होता है, वाई एक्सिस का। तो ये हो गया वन टू, मीन्स यहाँ आ गया। इसी तरह से लिखा है टू कॉमा माइनस टू, तो टू मीन्स एक्स एक्सिस पे ये रहा टू, और वाई एक्सिस पे माइनस टू मीन्स कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इसको हम यहाँ बताएंगे, इसी डायरेक्शन में चलेंगे तो ये माइनस टू मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है, टू कॉमा माइनस टू। इसको हम नाम क्या देंगे, बी। इसी तरह से ये जो पॉइंट है ए, इसको क्या लिखेंगे, जीरो कॉमा टू। अब सी जो है वो क्या है, माइनस टू कॉमा टू, तो माइनस टू मीन्स कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे, और टू मीन्स कौन सा दिख रहा है, वाई एक्सिस पे। ये इसी रेल लाइन में हम यदि सीधे लिखते हैं तो ये हो गया टू। अब जब आपको उन्होंने क्या कहा है कि कोई एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, तो हमको इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी ज्वाइन ए टू बी, सेम ऐसा ही हम ए से सी को मिलाएंगे। और जब ट्रायंगल बनाने की बात आएगी तो हम इसको ए बी सी को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, तो हमको ये क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल ए बी सी। अब ये थोड़ा सा ज्वाइन करने में लाइन थोड़ी ये हो गई, बट आप जब ज्वाइन करेंगे और इस तरह से फिगर बनाएंगे तो एग्जैक्ट एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको क्वाड्रेंट बताना होता है। जैसे लिखा है माइनस थ्री और फोर, दिस पॉइंट इन विच क्वाड्रेंट। सो हियर फर्स्ट नंबर इज, ये जो नंबर है कैसा है, निगेटिव है, और सेकेंड कैसा है, पॉजिटिव है। अब माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, तो अभी हमने देखा था जब हमने यहाँ क्वाड्रेंट की बात की थी तो क्या था, ये एक्स एक्सिस थी, ये एक्स डैश था, इधर ये वाई, ये पॉजिटिव है, इधर ये वाई पॉजिटिव है, यहाँ एक्स डैश निगेटिव है, इसे ही ये जो वाई डैश है यहाँ पर ये निगेटिव है। अब हमने यहाँ पढ़ा था पहले, इसके पहले सीखा कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये क्या हो गया, जहाँ दोनों मीट हो रही दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, और ये इसको कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करती, फोर क्वाड्रेंट में। तो पहला क्वाड्रेंट हर बार याद रखना, दोनों पॉजिटिव यानी प्लस प्लस होते हैं, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें आता है माइनस कॉमा प्लस, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें दोनों ही निगेटिव आते हैं, दैट मीन्स ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसा ही ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है, पहले पॉजिटिव देन निगेटिव। अब देखिए जो नंबर है हमको दिखाई दे रहा है माइनस थ्री फोर, अब माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो है माइनस थ्री फोर किस क्वाड्रेंट में आएगा, हम यहाँ लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट। किस में होगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा लिख लेते हैं। तो शायद आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से किया है। इसी तरह से अब हम कोई एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, सपोज यहां लिख लेते हैं, क्या ले लें हम, माइनस वन कॉमा माइनस वन। अब माइनस वन और माइनस वन देखिए दोनों ही कैसे दिख रहे हैं हमको, नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, दैट मीन्स हियर प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, इन विच क्वाड्रेंट, सो वी राइट इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको सिर्फ यहाँ साइन देखना है कि किस, कौन सा साइन किस तरह से आ रहा है। यदि दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अब मान लीजिए हम ले लें यहाँ वन कॉमा टू, बोथ आर पॉजिटिव, इनके आगे कोई साइन नहीं लगा, दैट मीन्स बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट में। इसी तरह से मान लीजिए मैंने ले लिया फोर माइनस थ्री, अब पहला जो है वो एक्स एक्सिस का, मीन्स ये कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव, ये दिख रहा है निगेटिव। सो प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो वी राइट हियर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट देखा हमने, थर्ड देखा, सेकंड में पहले बता चुकी थी, बट एक बार फिर से देख लें। सपोज यहाँ लिखा है थ्री कॉमा माइनस फाइव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी फोर्थ में आएगा। अब लिखा है यहां पर मान लीजिए माइनस फाइव कॉमा थ्री,
numbers are same, but here minus 5 on x axis and 3 on y axis. So minus 5 means इधर आ रहा है, तो ये minus 5 और ये plus 3, तो कौन सा quadrant हो गया, ये second quadrant. तो इस तरह के general जो questions है, ये objectives में पूछे जाते हैं, और इस बार तो है कि जो MCQs है, उनमें इस type के questions पूछे जा सकते हैं. तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा quadrant किस तरह से होता है. तो first quadrant में दोनों positive होते हैं. Then second quadrant minus plus होता है. In third quadrant both are negative. In fourth quadrant plus and minus means पहला जो x axis का point है that's positive and y axis point will be negative. तो शायद इतना अभी ये भी सब clear हो गया होगा कि किस तरह से हमने किया. अब इसी तरह से यदि कोई four points आपको given है या हम उसको बना के देख लें क्या क्या लिखा है, देखते हैं कोई question करके. Suppose आपको points are given. क्या लिखा है देखिए इसमें कि draw a rectangle ABCD such that its vertices A के जो points है vertices में जो points है वो क्या दे रखे हैं 4, 3. B के points क्या दे रखे हैं 4, -2. जो C है वो दे रखा है -7, -2. और जो D है वो दे रखा है -7, -3. ये किसके हैं डी के पॉइंट से. अब इसमें आपको क्या करना है, ए बी सी डी को ये क्वाड्रेंट बना के देखना है. तो देखते हैं हम क्या बनता है. ये अगेन वी ड्रॉ अ लाइन वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. ये दोनों कहां मिल रही हैं, तो हर बार अपने को पता होना चाहिए कि ये कहां होती है, ओरिजिन जीरो. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, 0, 0, 0 के. अब हम देखते हैं 7 तक है, तो हम इसमें मैक्सिमम वहीं तक ले चलते हैं. तो ये हो गया 1, ये हो गया 2. इनका जो डिस्टेंस है बेटा बिल्कुल सेम रखना. ये हो गया 3, दिस इज 4, 5, 6 एंड 7. सेम ऐसा ही यहाँ क्या होगा, माइनस सॉरी 1 देन 2, ये होगा 3, 4, 5, 6 और ये हो जाएगा 7. इसी तरह से जब हम इधर चलेंगे तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंस है इनके बीच का एक जैसा होना चाहिए. अभी हो सकता है कि शायद मेरे पॉइंट्स कहीं ऊपर नीचे हो रहे हो. अब यहाँ पर भी क्या स्टार्ट होगा, -1. अब ये ध्यान रखिएगा ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव होती है, ये y एक्सिस है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज x डैश मीन्स नेगेटिव है, और ये y डैश मीन्स कैसा है, नेगेटिव है ये. अब यहाँ पर हम देखें तो ये -1, ये हो जाएगा -2, -3, -4, -5, -6, -7. सेम ऐसा ही हम यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लेंगे. अब जब हम इस तरह से बना लेंगे ये पॉइंट्स, और जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से प्लॉट कर पाएंगे. अब इसमें लिखा है A 4, 3. तो 4, 3 मीन्स कहाँ दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे देखिएगा. जब भी हम ये पहला पॉइंट देखें तो कहाँ देखेंगे, एक्स एक्सिस पे. अब एक्स एक्सिस पे 4 ये रहा. अब हमको कहा है वाई एक्सिस पे 3, तो वाई एक्सिस पे 3 मीन्स ये रहा. अब ये दोनों एक ही लाइन में जाना चाहिए, तो हम ये देखिए यहाँ से ये 4 चले और ये यहाँ से 3 चले, मीन्स क्या हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया A, इसको हम लिखेंगे 4, 3. इतना तो समझ में आ ही गया होगा. अब हम देखते हैं बी पॉइंट, बी कैसा लिखा है, 4, -2. 4 अगेन ऑन एक्स एक्सिस मीन्स ये 4 है, और -2 मीन्स कहाँ दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट है ये कैसे होते हैं, निगेटिव है, -2, -3, -4, -5, -6 और -7. तो ये जो 4 है इसके साथ कितना लिखा है, -2. तो हम इसी लाइन में आएंगे, -2 और ये 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी पॉइंट देंगे, इसको लिखेंगे 4, -2. अब जो हमारा सी पॉइंट है वो क्या कह रहा है, -7 और -2. अब -7 है फिर से एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस में माइनस इधर है, 7 ये रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है हमको. अब -2 मीन्स क्या दिख रहा है हमको, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे ये -2 हो गया, और इसी लाइन में भी हम यहाँ चलते हैं, तो यहाँ क्या दिख रहा है ये पॉइंट, इसको हम नाम देंगे सी, और ये कैसा है, -7, -2. अब हम देखेंगे डी, जो लास्ट पॉइंट है वो क्या लिख रहा है, -7 और 3. तो -7 तो हमको यही दिख रहा है, बट 3 कैसा है, ये वाई एक्सिस के इसमें है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये पॉइंट यहाँ बन जाएगा, इसको हम डी लिखेंगे, और 7,
माइनस सेवन कॉमा थ्री लिखेंगे। अब जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे, इस तरह से जब हम ज्वाइंट करेंगे तो देखिए हमको क्या दिख रहा है, ये एक क्या दिख रहा है हमको, एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है। तो इतना शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये सॉल्व किया है। देखिए जो एमसीक्यूज रहते हैं, जैसे उसमें पूछा गया है कि एब्सिस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। अब ये यहां पर मान लीजिए ये जीरो है, यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से लिखा है, तो मान लीजिए ये हो गया, और इधर भी ऐसे ही माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, सपोज इस तरह से नंबर दिए हुए। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक्सिस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज ये वाला पॉइंट ले लें, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, बट हमको इसी का बताना है एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, टू कॉमा जीरो, क्योंकि यहाँ वाई तो है ही नहीं, हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, थ्री कॉमा जीरो, इस पॉइंट की यदि बात करें तो फोर कॉमा जीरो, ऐसे ही इधर बात करें तो ये क्या होगा, माइनस टू कॉमा जीरो। दैट मीन्स जो एप्सिसा है ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे क्या हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस टू हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स होता है, तो इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है। सेम एज ऑर्डिनेट यदि बात करें हम, ये ऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। मान लीजिए जीरो है, यहाँ लिखा है वन टू थ्री फोर, यहाँ लिखा है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर दिए। अब हम यदि यहाँ इसकी बात करें तो ये वाला पॉइंट किसका है, वाई एक्सिस का। अब वाई एक्सिस पे यहाँ एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, जीरो, और वाई का क्या होगा, वन। सेम ऐसे यदि मुझे फोर लिखना है तो यहाँ वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जीरो कॉमा फोर। सेम एज यदि मैं ये वाला पॉइंट लूँ तो मैं इसको लिखूंगी जीरो कॉमा माइनस थ्री। इसी तरह से जो ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस वो क्या होता है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस क्या होता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर वहां पर हो सकता है। तो ये शायद आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि एक्स एक्सिस पे एब्सिसा कोई भी नंबर हो सकता है, सिमिलरली वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसी तरह से ये भी सभी को क्लियर है कि पॉइंट्स जो लाए करते हैं, मतलब कहाँ पर, जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है ओरिजिन है उसके पॉइंट्स होते हैं जीरो जीरो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। अब आपको इसी तरह से यदि उन्होंने अब कहा जाए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या है, देखिए अब सपोज ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो यहाँ हमने कोई इसी के पैरेलल यदि हम कोई यहाँ लाइन लेते हैं तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, मान लीजिए ये है वन, ये वन है और ये है टू, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, टू कॉमा जीरो। तो इस पॉइंट को यदि हम देखते हैं तो यहाँ ये टू कॉमा जीरो हमने लिया, और यदि इसको हम यहाँ आगे देखें, सपोज यहाँ देख रहे हैं तो ये वन है, ये जीरो है, ये क्या है, ये वन ले लेते हैं, ये टू लेते हैं, ये थ्री लेते हैं और इस तरह से फोर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी पॉइंट्स आएंगे ये कैसा होगा, टू जीरो, यहाँ क्या आएगा, ये हो जाएगा टू टू, इधर चलेंगे तो ये होगा टू थ्री, इस तरह से इनमें सब में ये जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो तो टू ही रहेगा, बट वाई एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हर बार कैसा होगा, टू ही होगा, बट ये जो लाइन है ये कैसी हो जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल। सेम ऐसा ही जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से करेंगे, ये है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये है फिर से जीरो, वन टू थ्री, वन टू थ्री ले लिया, इधर ले लिया वन टू थ्री, इधर है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, सपोज हम यहाँ कहीं इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये थ्री से, तो ये लाइन किसके पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसमें क्या था, ये लाइन किसके पैरेलल थी, वाई एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल का मीनिंग आपको पता है, बिल्कुल सेम एक जैसी, दोनों कैसी, इसके पैरेलल है। अब ऐसे ही यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, जीरो कॉमा थ्री होगा।
अब यदि हम इसकी बात करें या इसकी बात करें, किसी की भी करें, इस तरह से जब हम इसके, जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किए थे वैसे यहाँ पर भी होगा, ये क्या हो जाएगा 2 3 होगा, ये 3 3 होगा, मतलब इसमें y एक्सिस का हर एक पर वो पॉइंट 3 ही रहेगा, बस x वाला जो है वो चेंज होता रहेगा। बट ये लाइन कैसी होगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा रहेगा, 3 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, और ये लाइन कैसी है, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस, और ये लाइन कैसी है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पैरेलल में क्या होता है। अब x एक्सिस के पैरेलल जब आपको लाइन बोले तो यहां पर कौन सा y का पॉइंट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ, देखिए मैं बता देती हूँ कि किस तरह से लिखते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगी, y इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन किसकी होती है, पैरेलल टू किसके, x एक्सिस। ऐसे ही जब y एक्सिस के पैरेलल बोले हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना, x वाला डिस्टेंस है, सो वी राइट हियर x इज इक्वल टू a। ये इक्वेशन किसकी होती है, पैरेलल टू किसके दिख रही है हमको, y एक्सिस के पैरेलल। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू बी। सेम ऐसे ही y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू ए। ए और b मीन्स क्या है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, हमने यहाँ 2 3 बताया, कुछ भी नंबर हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, सो आप यहाँ पर प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, अदरवाइज y इज इक्वल टू बी या x इज इक्वल टू ए। तो इस तरह से हमने पैरेलल लाइन्स के बारे में भी सीख लिया है इसमें। अब आपको यदि कहा जाए कि कोई, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज जीरो, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज, कौन से इसमें लाय करेगा वो पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो जीरो है, मतलब y कोऑर्डिनेट मीन्स ये जीरो है और यहाँ कोई पॉइंट तो है ही x एक्सिस का। अब x जीरो कहाँ, मीन्स वो किस पे है, प्रेजेंट x एक्सिस पे। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाय ऑन x एक्सिस। क्या लिखा है कि ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी, वर्टाइसेस आर, ए के वर्टाइसेस दिए -3,0, बी के दे रखे हैं 3,3, और जो सी है उसके दिए हैं 3,-3। यहाँ उन्होंने सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, लेकिन हम इसका, इस ट्रायंगल का हम एरिया भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से किया जाता है। तो ये होती है हमारी y एक्सिस, इसको y और y डैश नाम दिया जाता है, इसको लिखेंगे हम x और इधर लिखते हैं x डैश। अब ये ओरिजिन होता है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, सभी को समझ में आ गया होगा, और आप ये बिल्कुल सेम ही बनाएंगेगा। अब हम यहाँ लिखेंगे कितने दिए, मैक्सिमम 3 तक जा रहा है, तो 1 2 और 3 ले लेते हैं, ऐसे ही एक चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं 4 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली 1 2 3 4, बट हियर -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 एंड 4, दिस इज ऑल्सो 1 2 3 एंड 4, एंड दिस इज -1 -2 -3 एंड -4। अब हम इसका सबसे पहले इसको इसका फिगर प्लॉट करते हैं इस पर एक्सिस पर। तो -3,0, -3 मीन्स कहाँ, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये रही, और 3,0 मीन्स यही रहेगा। अब बी जो पॉइंट है वो कहाँ है, 3 3, दैट मीन्स उसका एक्स एक्सिस भी 3 है और जो वाई एक्सिस है वो भी 3 है। तो हम यहाँ से इधर देखें और इधर से इधर देखें, तो ये वाला पॉइंट क्या दिख रहा है हमको, 3,3। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसको हम ए से करते हैं, इसको लिखेंगे -3,0। इसी तरह से जो लास्ट पॉइंट है 3,-3, तो 3 यहाँ है और -3 ये रहा, ये -3 है और ये 3 है, तो ये हो गया, इसको हम सी नाम देते हैं, इसको लिखेंगे 3,-3। अब जब हमको ट्राइंगल बनाने के लिए कहा है तो हम बी से सी को ज्वाइन करेंगे, ऐसे ही हम किससे, ए से बी को और ए से इस सी को ज्वाइन करेंगे।
अब मान लीजिए उन्होंने हमको क्या कहा है कि हमको इसका एरिया भी फाइंड करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब आप लोगों को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप सोच रहे होंगे इसमें एरिया कैसे निकालेंगे, कुछ भी ना हमको बेस दिया है ना हाइट दी हुई है, तो हम इसमें काउंट करेंगे। अब देखिए बेस मींस क्या दिख रहा है, तो यहाँ हम नेगेटिव पॉजिटिव सब भूल जाएंगे, सिर्फ हम इसके जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6, तो हम इसका बेस क्या लेंगे 6 ले लेंगे, और इसकी जो हाइट है, सॉरी यदि हम इसको फिगर को हम ऐसे घुमा ले तो आपको और अच्छे से यदि क्लियर करना है तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। तो बेस यहाँ क्या दिख रहा है, देखो 1 ये यहां से चल रहे 1 2 3 4 5 और ये 6 है, दोनों ही 6 है, बेस और हाइट दोनों ही 6 है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे होगा 2 3 6 दैट मीन्स 3 × 6, तो ये बन गया 6 3 18 स्क्वायर यूनिट। तो कभी आपको यदि इसका एरिया फाइंड करने के लिए आए तो भी हम यहाँ पर इस तरह से काउंट करके और फिर हम उसका फार्मूला अप्लाई करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। सेम एज आप रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं, स्क्वायर का निकाल सकते हैं और ट्रायंगल का भी, जो भी फिगर दिया उसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो शायद आप लोगों को ये अब समझ में आ ही गया होगा। आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर देखा है जिसमें कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करके देखे हैं, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना।